गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में पोएम नंबर 8 माँ कह एक कहानी के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्ता। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उसका इंटरेस्ट था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके सिवा यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है, यहाँ कही गई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। यहाँ उनका पुत्र जो है, यशोधरा का पुत्र राहुल, और यशोधरा उसकी माँ है, वो यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम कविता का अर्थ समझेंगे। यहाँ तो कविता में लिखा है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझे अपनी नानी। तो इसका अर्थ यहाँ ऐसा है कि राहुल यशोधरा से कहता है, राहुल नाम का लड़का है, यशोधरा उसकी माँ, यशोधरा नाम है उसका, तो राहुल यशोधरा से कहता है माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या, क्योंकि नानी ही कहानी सुनाती है। यहाँ कविता में कवि ने लिखा है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो उसका अर्थ है कि यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सुनाओ, एक राजा था या एक रानी थी। आगे की पंक्ति में लिखा है कि तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ ऐसा होता है कि तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी थी। इसका अर्थ है कि मेरे बेटे तू बहुत ज़िद्दी है, तू है हठी यानी कि ज़िद्दी, तू मेरे बेटे तू बहुत ज़िद्दी है, अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। यहाँ लिखा है कि तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, यानी कि एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी, उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी।
वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।